मोय मोर लड़ाई के बेस ले लड़ लो, मोय मोर जीवन के रेस के बेस ले खत्म कर लो। इस सुंदर बाइबल के वचन जे कि 2 टिमोथी 4:7 से लेगल जा है, फादर स्टैन स्वामी के जीवन के बेस ले दर्शायल। जजेसु सोब बन के और जोहार जेसफिट समाज के फादर जे के हमें स्टैन स्वामी के रूप में जानी ला। फादर स्टैन के देहांत हुई जाहे मुंबई में द होली फैमिली हॉस्पिटल में। फादर स्टैन स्वामी मई महीना से COVID-19 के शिकार हुई जा रहे हैं और हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं। फादर पार्किंसंस डिजीज जे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन के बीमारी के जेकर चलते कि चालिक फ्लिक मुश्किल हो जाए उकर शिकार रहे हैं। और बीच में जेल में उमन के खाई पिएक में और चालिक फ्लिक में असुविधा होते रहे जेकर से उमन सुरपेक ले सिपर के डिमांड कर रहे हैं। लेकिन छोटे से जो कि मानव अधिकारी सामान भी फादर के देवे के लिए बहुत टाइम लगा रहे हैं और इकर चलते फादर के बहुत असुविधा होते रहे। और यह सब COVID-19 के चक्कर में उमन के एडमिट कराल जा रहे हैं और लगभग कई 1:30 बजे फादर हमारे बीच से चले गए। फादर स्टैन स्वामी के सुनवाई होएक वाला रहे जे कि 6 तारीख एक दिन यानी कि कई होएक वाला रहे, लेकिन फादर एक दिन उकर से पहले हमारे बीच से चल जाए। मोरी वीडियो बनाए के मंतव्य यह है कि मोई सोच लो कि हमार सब आदिवासी भाई बहन मान के हमार माजे हुआत रहे इस घटना से जागरूक करे के लिए। मैं हिने हुने मोर पड़ोसी मन से मैं जान लो कि बहुत ऐसे नहाए जिमन के मन इस घटना के बारे पता न खे। तो मैं सोच लो कि इस छोटे से वीडियो के बारे में हमार आदिवासी मन लगिन जे लड़ा थे उनके बारे तनिक में बताए करबो। तो चलो ये वीडियो के शुरू कराओ। मैं बताए चाहूँ कि फादर स्टैन अपन जीवन के लगभग 30 साल करीब हमार आदिवासी मन के उन्नति और शिक्षा देवक लगिन अपन जीवन के लगा दिलाएं। तो चलू फादर स्टैन के आगामी जीवन और इंस्पिरेशन कहाँ से उमन फादर पालाएं इस सब अच्छा काम करके लिए उके तनिक जानने वाब। तो फादर स्टैन तमिलनाडु के त्रिची डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुई रहें और अपन थियोलॉजी के पार्ट खत्म करके 1970 आसपास सोशियोलॉजी में अपन मास्टर्स करे लगिन यूनिवर्सिटी ऑफ मनीला गिलाएं। बाद में फादर स्टैन ब्राज़ील के ब्रुसेल्स में पढ़े लगिन गिलाएं, जहां फादर स्टैन के एक ठो सांग मिलक जेर चेकी रहाएं आर्च बिशप होल्डर कैमरा। आर्च बिशप होल्डर कैमरा उबेरा ब्राज़ील के जो गरीब दुखी और ऑपरेट सोसाइटी रहे उमनक लगिन मुरुख काम करत रहे। ये गरीब दुखी के काम के देख के फादर स्टैन बहुत उत्साहित और प्रेरित होलाएं और सेवा के काम करे के इंस्पिरेशन यह जन पालाएं। वहाँ से घूर के फादर स्टैन स्वामी प्रेस्टिजियस जेस्वीट द्वारा चलाल जाएक इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के रूप में काम कर लाएं। उकर पाछे पाछे झारखंड के चाईबासा में ट्राइबल एक्टिविस्ट के रूप में काम करे लगिन आलाएं। जोन जमीन जगह के लूट होवात रहे उकर ऊपरे हमार आदिवासी आदमी मन के जागरूक करे के कोशिश कर लाएं। फर्दर स्टैन आदिवासी मनक जोन जगह जमीन के डैम माइंस टाउनशिप इत्यादि बनाए लगिन लेवल जात रहे जे कि आदिवासी मनक बिना अनुमति या फिर सहमति से लेवल जात रहे उकर ऊपरे आदमी मन के जागरूक करे और मनक लगिन लड़े शुरू कर लाएं। और 2016 में जोन आदिवासी मन के फॉल्सली नक्सल घोषित करके जेल में डाल जाए रहे उमन के दशा के देख के दया से द्रवित हुई के स्टैन स्वामी फादर उमन लगिन खोजबीज कर लाएं, रिसर्च कर लाएं और उमन के बारे पढ़े लग लाएं। स्टैन स्वामी फादर के रिसर्च के जब रिजल्ट अलग उबेरा पता चलला कि फादर के खोज से पता चलला कि 97% जे कि 97% जितना आदमी रहें जेके जेल में डाल जा रहे उमन बेगुनाह रहें। और फादर के
30 साल के काम में विशेष आदिवासी मानक जागा जमीन के लूट फॉरेस्ट राइट यानी जंगल के अधिकारी और हमार आदिवासी के समाज के जागरूक करे ऊपरे निर्धारित रहे। फादर स्टैन के अरेस्ट के 2 दिन पहले फादर स्टैन अपन वीडियो में बताए रहें कि का लेखन UAPA जैसे लॉ और एक्ट से आदमी मन हमार आदमी मन के और सब आदमी मन के चुप करल जाते। 2020 अक्टूबर 8 तारीख फादर स्टैन के NIA एजेंसी अपन रांची निवास से अरेस्ट करलक। उकर विरुद्ध चार्जशीट फाइल करल गेलक कि उ भीमा कोरेगांव केस में शामिल रहें। उमन कहलाएं कि फादर स्टैन CPI माओवेस्ट के कारबार में शामिल रहें। उमन ई भी दोष लगालाएं कि फादर भीमा कोरेगांव केर करैया मन से मिलल रहें, लेकिन इकर पुख्ता और ठोस सबूत एनाइए साबित करे नहीं पड़लक। ये वीडियो मुझे अमेजोन में बना हो कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज सोर्सेस से लेवल जा है, जेकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देबो। रौरी अगर पढ़े चाहब बोले जरूर पढ़ो और जागरूक रहो। धन्यवाद। जय जीसू।